एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, ये वीडियो एक ट्रैवलिंग ब्लॉग है, सो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो ये है गाइस चकली, डलमोट और मिक्सचर जो कि हम ट्रेन में खाते हैं दो दिन, बिकॉज दो दिन हमको लग जाते हैं। और ये मैं अभी मेकअप का सामान पैक कर रही हूँ, मेरा और मम्मी का, तो मैंने अपना कर लिया है। और ये मम्मी का फेयर लवली प्लस नवरत्न तेल क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, तो इनका भी मेकअप बॉक्स है जो कि ये रखती है और बिंदी है। तो सारा पैकिंग हो जाने के बाद हम निकलते हैं स्टेशन की तरफ। और स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, प्लस बारिश भी हो रहा था, तो मैं फ़ोन नहीं निकाली स्टेशन में, बिकॉज चोरी का भी डर लगता है मुझे। और मैं कहीं पे भी ऐसे ब्लॉगिंग करने लग जाऊँ और लोग देखने लग जाए, इससे अच्छा मेरे को ये कंफर्टेबल होता है कि मैं वॉइस ओवर दे दूँ। सो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो कि मेरे को बोलने को नहीं होगा उतना, बिकॉज इतना भी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ब्लॉग करने में। तो ये पब्लिक प्लेस पे मैं ज़्यादा ये नहीं करती हूँ। तो बेसिकली गाइस, ये रात का सीन है और रात को हमने किया था ऑर्डर वेज खाना, जो कि ट्रेन में आता रहता है, वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज ऐसा बोलते रहते हैं। तो हमने ऑर्डर कर दिया था, और मैं बोलूँ ट्रेन का खाना सब बोलते हैं कि बकवास होता है, बट नहीं, ट्रेन का खाना बहुत ही टेस्टी था, यम्मी था। और इसमें जो धनिया का जो फ्लेवर था वो इन्हांस होकर आ रहा था, मतलब इट्स अमेजिंग। और ये रबड़ी मैंने ले लिया था, खाने के बाद कुछ मीठा खाया जाता है। सो यार, रबड़ी भी बहुत टेस्टी था। और ये दूध को जैसे कि बहुत पका कर जो खोआ निकलता है वैसा कुछ था, रबड़ी बहुत टेस्टी था। और ये शाम का सीन है जो कि हम अभी बैठे हैं, और ये सेकेंड डे का है, शूट कर रही हूँ मैं। और ये लिप्स स्क्रब है। बेसिकली जब हम जाते हैं कहीं बाहर और हमारा जो लिप्स रहता है वो ड्राई हो जाता है, उसका हालत बहुत ख़राब हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं लिप का स्किन केयर। और वहीं पर मैं अभी कर रही हूँ लिप्स स्क्रब। लिप्स स्क्रब करने के बाद मैंने सोचा चलो पिक लिया जाए, स्टोरी पर लगाएंगे, व्हाट्सएप पर लगाएंगे। देन थोड़ा सा बहुत मेकअप किया, फिर मैं सो गई। सो के उठने के बाद कल का मेरा स्टॉपेज आ गया था दानापुर पर उतरे। और गाइस, ये सब बहुत ही मतलब यू नो, जैसे आप लोग टाइम निकाल कर मेरे लिए वीडियो देखते हो, वैसे मुझे भी टाइम निकाल कर वीडियो को शूट करना, प्लस एडिट करना, प्लस अपलोड करना। और यहाँ नेट का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आप मानोगे नहीं, अगर आप यहाँ पर रहोगे तो आप बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाओगे, मतलब मन ही नहीं करेगा कि फ़ोन चलाओ। ये दो दिन खैर तो अच्छे रहते हैं, ट्रेन में भी इंटरनेट का कुछ ये नहीं रहता है, चलता नहीं है। मैंने सोचा चलो मेकअप करके थोड़ा मन बहलाया जाए, बिकॉज़ जब भी मैं सैड रहती हूँ या फिर मुझे कुछ करने को नहीं रहता है, मैं मेकअप करने बैठ जाती हूँ, थोड़ी सी खुशी आती है अपने आप को देख कर, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन जैसा, आई जस्ट लव इट। और यह ट्रेन का सीन, रात हो चुका था, 11 बजे दानापुर स्टेशन आने वाला था। सो मैं मेकअप करके सो गई, देन उठी। फिर ये खीरा का था कुछ, घूमने के लिए निकले थे रात को, इतने उब गए हम बैठ बैठ कर, तो सोचा चलो खाते हैं कुछ। बहुत ही फ्रेश खीरा था, और 10 का दिया था, 2-3-4 पीस दिए थे, बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमारा दानापुर स्टेशन आ चुका था। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो वीडियो करिएगा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती ही है, तो थोड़ा बहुत भी आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, तभी मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। यहाँ पर इंटरनेट का भी कुछ आता पता नहीं है। और ये है दानापुर स्टेशन, यहाँ से हम ऑटो पकड़े थे एंड देन घर आ गए थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।